नमस्कार आदाब, न्यूज 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ घूम रहे अपराधी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल इस मामले में ग्रामीण SP ऋषभ गर्ग ने खुलासा करते हुए बताया कि जमशेदपुर के SSP को पूर्व ही सूचना थी कि सुंदरनगर में एक अपराधी अवैध हथियार के साथ बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है। वहीं वो दूसरों से रंगदारी की मांग भी कर रहा था। मामले में पुलिस ने टीम गठित कर छापेमारी की, जहां पुलिस ने 30 वर्षीय विधाता तंतुबाई नामक अपराधी को सुंदरनगर पोस्ट ऑफिस रोड के पीछे से गिरफ्तार किया है। उसके पास से थर गाड़ी संख्या JH05DL4538B बरामद किया गया है। वहीं तलाशी के दौरान अपराधी के पास लोडेड देसी कट्टा, टूटी हुई मोबाइल, कार और सीट के पीछे रखी हुई लोहे की गोल्फ स्टिक बरामद की गई है। पूर्व में विधाता तंतुबाई आर्म्स एक्ट डकैती और रंगदारी के मामले में जेल जा चुका है, फिर पुनः रंगदारी के मामले में जेल भेजा जा रहा है। विधाता तंतुबाई नाम का एक हैबिटुअल क्रिमिनल है, इसके पास इसकी शिकायत प्राप्त हुई थी हम लोगों को। ये व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से धमकी दे रहा था और कुछ रंगदारी की मांग की जा रही थी इसके द्वारा। उसी क्रम में जो है हम लोगों ने एक विशेष दल का गठन किया और उसको जो हमारे प्रोबेशनर DSP साहब हैं इन्होंने और हम लोग के जो तकीर आलम साहब ने नए ज्वाइन किए DSP, इन लोग इसको लीड कर रहे थे। उसी क्रम में इन लोगों ने जब उस व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया तो वो गाड़ी में था और गाड़ी से भागने की कोशिश करने लगा तो उसको रोका गया। तो उसके पास से एक पिस्टल हम लोग को बरामद हुई और एक गोली जिंदा। उसकी गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें से हम लोगों को एक गोल्फ का क्लब, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वो भी बरामद हुआ। उससे पूछताछ करने में बताया गया तो मतलब वही बता रहा था कि वो इन्हीं सब चीज़ों का प्रयोग करके कुछ कुछ करता था अपने स्तर से। तो हमको लगता है कि उधर के एरिया के लिए काफ़ी बड़ा एक माइनस क्रिएट कर रहा था ये, और ये आदमी ऑलरेडी 5-6 केसेस में जेल जा चुका है। इसके ऊपर केसेस जो हैं आपके डकैती के हैं और आम चक के केसेस हैं, तो ये निश्चित तौर पर एक हैबिचुअल ऑफेंडर था जिसके जेल जाने से हमको लगता है उस एरिया में शांति थी। अभी किसके पास लीगल आर्म्स जो हमको मिला है और जिंदा कारतूस मिला है। इसने ये भी प्रयास किया कि जब उसको पकड़ा गया तो उसका जो मोबाइल था उसको इसने पैर से कूछ के तोड़ने का प्रयास किया, वो भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा डैमेज कंडीशन में है। तो उसका भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको इसमें से कुछ अगर डेटा रिकवर कर पाते हैं तो उसको भी हम लोग आगे अनुसंधान में डालेंगे। पिस्टल उसी ने रखा हुआ था, इसमें उसी का प्रयोग करता था। कितने बार जेल जा, अभी तक ये जेल जा चुका है, कुल कांड है ये वाला जो है 6 कांड में जेल जा चुका है। अभी उसके आगे पे वही हम कह रहे हैं, इसका फोन से हम लोग कुछ डेटा और मिलेगा। इसका मतलब इसके घर परिवार के एक दो लोगों का जिनकी जैसे गाड़ी वाड़ी है उन लोग के भी शामिल होने का अंदेशा है। तो वो जैसे जैसे अनुसंधान आगे बढ़ेगा वैसे वैसे लोग उसमें आगे पता चला जाएगा। अभी तक कोई डायरेक्ट इसका एविडेंस नहीं मिला है, बट उस पर भी जाँच कर रहे हैं। क्या नाम है सर? इसका नाम है विधाता तंतुबाई, सुंदरनगर। हाँ, रहने वाला।